माननीय महानुभाव जो यहाँ डायस पे बैठे हैं और आदरणीय गेस्ट्स जो मेरे सामने बैठे हैं, आज मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ हो गया क्योंकि मैं ये सोच के नहीं आया था कि मुझे यहाँ पे कुछ बोलने के लिए कहा जाएगा। मैं तो एक छोटे से पीरियड के लिए आया था क्योंकि मुझे कल एक GLA यूनिवर्सिटी में मेरा कुछ कार्यक्रम है और उसकी वजह से मुझे आज मथुरा जाना है। तो पर मैं छोटी छोटी दो तीन बातें बोलूँगा। हमारे परिवार में जब हम लोग नए बिजनेस में घुसते हैं तो हमारे टाइम पे हमारे पिताजी ने हमको केवल एक ही बात बोली थी। वो बोले कि ध्यान रखना, तुम्हारे कस्टमर को कभी भी गलत क्वालिटी नहीं जानी चाहिए और उसकी मजबूरी का फायदा उठा के कभी भी ज्यादा दाम मत मांगना। जो तुम्हारा फेयर प्रॉफिट है बस वही प्रॉफिट से खुश रहना और उससे अधिक की आकांक्षा अपेक्षा मत रखना। और भगवान की दया से ये जो हमारे पिताजी ने सीख दी थी ये आगे चल के हमेशा हमारे संस्कारों की तरह हमारे साथ में रही और सारा हमारा बिजनेस मॉडल जो था वो इसी के ऊपर बेस था, नेवर नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर क्वालिटी एंड नेवर नेवर चीट योर कस्टमर। यही चीज़ हमारी लागू होती थी सप्लायर के साथ, यही चीज़ हमारी लागू होती थी हमारे जो साथ में एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनके साथ, चाहे हमारे कुलीग्स हों चाहे हमारे से नीचे में काम करते हों, लेकिन यही हमारा हमेशा संस्कार रहा। और अगर हम मैं आज पीछे मुड़ के देखता हूँ कि हमने हमारे बिजनेस में क्या किया, तो सबसे बड़ा जो मेरे मन में एक प्राइड फील होता है कि हमने जो काम किया वो जस्ट और निस्वार्थ। हम लोग हमेशा बिजनेस की तरफ ध्यान देते थे तो एक हमारे माइंड में हमेशा जस्टिस रहती थी, कभी किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। हमारे मन में हमेशा निस्वार्थता रहती थी कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने एक्सेस प्रॉफिट के लिए हमको किसी को नुकसान पहुंचाना है। एंड फ्रेंड्स, आई पर्सनली फील कि आज का जो ये टॉपिक है सोशल बिजनेस, ये सारा का सारा जस्टिस पे और निस्वार्थ के ऊपर बेस्ड है। अगर द एंटायर बिजनेस कम्युनिटी फील्स दैट दिस इज व्हाट दे कैन डू, आई कैन टेल यू दैट इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड इन द सोशल वर्ल्ड द एंटायर नेशन विल बी एबल टू डू वंडर्स। थैंक यू। I think the tone of this forum has been set quite a lot by this experienced words of Shri Raghuhari Dalmia ji. I would request Shri Lakshmi Prakash Semwal ji to please give a token of thanks to Shri Raghuhari Dalmia ji for his gracious presence on this forum. So the three things he said very nicely, that the quality of the product, the fair profit, the fairness aspect, what he put about with the profit part, I think.